भगवान आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता। हे जमदग्नि नंदन, आप साधु हैं, तपस्वी हैं, परम शक्तिशाली योद्धा हैं, किंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आपके सम्मुख कुछ शास्त्रार्थ कहता हूं। हे प्रभु, जब क्रोध नियंत्रित होता है तब विजय महायश मिलता है, किंतु जब हम बस में क्रोध के हो तो अपयश और दुख केवल मिलता है। तीनों लोकों की हर घटना निश्चित है, पूर्व नियोजित है, फिर मैं कैसे मिथ्या कह दूं? दोषी कोई और कदाचित है। करुणा और सदाचार ये तो ब्राह्मण के भूषण हैं। कर्ता जब स्वयं विधाता हो तो कैसे किसका दूषण है? इसलिए शांत हो महामुनि, अवसर विशेष व्यवहार करे, आशीष कृपा अपनी देकर शरणागत पर उपकार करे। भगवान बच्चों की बातों का कभी बड़े ना बुरा मानते हैं, इनके मुख में तो गंगा है, ये उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रो की भांति यदि आते आप तो सह लेता ये लाते भी, वीरों का सा वेश देख हिसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं, ये सभी प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। अपराधी के वास्ते उठार की धार। अपराधी तो है महाराज आप, जो सब बिगाड़ने आए हैं। भाई ने जब दही बिलो डाली तो क्या घी निकालने आए हैं? ये धनुष अंगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था तो उनकी ही संपदा हुआ। अरे जो मालिक था उसने ही बस अपने आगे तुड़वा डाला। तो कहिए कौन होते हैं आप जो करते हैं गड़बड़ झाला, या मरे हुए इस धनवा पर जी भर कर रोने आए हो? या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आया। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलि जाता है, गुरु ऋण के कारण वही हो फिर एक और खुजलाता है। इस कारण इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा। परसा 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 दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या कौन आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? मुनिराज वो शूर नहीं कहते हैं जो अपना आप बखान करें? अरे वो कार्य ही नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। ये लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा। अरे बलिहारी मैं इन हाथों का जिसने माता का सर काटा। अब शेष रहा गुरु का ऋण, उसको भी मैं चुका दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक और छोटा है। अरे सोने के लोटे में बिसाए जब दूध मिलाकर कोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता खमंड अपने बल का। अरे रनिवासों में ही खेला है मुख देखा नहीं राजस्थान का। मुनिराज जो बने इमारत वर्षों में पल भर में वो गिर पड़ती है,
मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर ना लगती है। इसलिए गर्व तो वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अरे अभिमान करे भला कौन से बल का हम, जब खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले दांत सदा देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे एक चबाता है वो तो छोटे ही होते हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण में पाले पड़ते हैं, उस समय महादेव भी हो समुख उनसे भी कुश्ती लड़ते हैं। बालक पास, 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 बहुत कर चुका काट, अब परसा बचाएगा तुझे मौत के घाट। इकार बुझा पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया है व्यर्थ कुलाड़ा ये मेरा, जो तेरा नहीं संहार किया है। नहीं सवाल बाल बद का, जब बालक स्वयं बलस्ता है मत देना है। पृथ्वी आकाश वायुमंडल समस्त देवी और देवता मत देना, अरे मत देना कोई दोष मुझे। अब बरसा इस पर चलता है। ऋषिराज, ऋषिराज शांत, मुनिराज शांत, मुनिराज ऋषिराज शांत, ऋषिराज। ज्ञानी पुरुष यूं बच्चों की बातों का बुरा नहीं मानते, तुम इसे बालक जानकर सहर्ष क्षमा कर दो मुनिराज। मुनिवर, आपके आग्रह से मैं उसको छोड़ देता हूं। अब तक जो मैंने क्रोध किया मैं उसको वापस लेता हूं। देखो देखो उसकी वह मुस्कुराहट, करती वितरीन ये छाती है उसकी, ये व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। अरे कुछ उसको भी तो शिक्षा दो, सब उसको ही समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किसलिए ना इला जाते हो। मुनिराज, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मून चले जाओ। यदि छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। यदि दुख टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। और मुनिराज, यदि छेड़छाड़ ही भाती है तो और व्याख्यान सुना डालो। लड़के मौन हो जाओ। ऋषिराज, अपने तासों का रक्त पिए, ये ताव भला कब परसे की? भृगुनाथ, भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब परसे की। यदि से काट भी डाले तो क्या चिंता अनुरागी है, न्योछावर विप्र चरण में हो तो ये शरीर बड़ भागी है। हम करे ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, पहला ये कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है। शिवधनुष, शिवधनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो देखो सोर तनिक देखो, वे अभी तो मुस्काता है, उसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दीदा में चित पड़ा हूं, अब
बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम, हे राम, यही सोचा है आपने? ये क्या जो पावना आगे पड़ता है, परसा पहाड़ हो गया मुझे, जो नहीं उठाए उठता है। देखना देखना देखना, संभलना, सावधान, यूं ही मूरत बने ना रह जाना, कहीं ऐसा ना हो मंदिर पड़े हमें तुम्हारा यही बनवाना। और इस समय तो पूजा की सामग्री भी हम साथ ना रखते हैं, किंतु हाँ, यदि मुनिराज स्वीकार करें तो ये हार भेंट कर सकते हैं। अब समझा मैं तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तुम मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। तू तो है नरम, गरम है तू। क्या कुटिल नीति है दोनों की, क्यों विश्वामित्र? देखते हो चालाकी अपने चेलों की। मैं परशुराम कहलाता हूं, तू भी राम कहलाता है। मेरा ही यादा नाम छीन, मुझ पर ही थाक जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को ना बेकार, कर राम नाम का त्याग अभी। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादा कमलावरो हम, विप्र प्रसादा अजीतो जीतो हम, विप्र प्रसादा मम नाम रामा। भगवान शेष कहते हैं, ब्राह्मणों की कृपा से मैं सृष्टि को धारण करता हूं। नारायण कहते हैं, मैं लक्ष्मीपति हूं, ये ब्राह्मणों की ही कृपा है। देव सेनापति स्कंद कार्तिकेयन कहते हैं कि ब्राह्मणों की कृपा से मैं अजय हूं, किंतु मैं कहता हूं कि मैं राम हूं। ये भी मात्र ब्राह्मणों की ही कृपा है। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर है परशुराम और राम नाम चरणों में है। मैं राम, आप है परशुराम। अब कहिए किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। भृगुनाथ, विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितना नपते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट, इतनी झुंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा, प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं। रघुकुल का रथ चुनौती पर रणमध्य खौलने लगता है, तब महादेव भी हो सम्मुख, उनसे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए ना परसा दिखलाएं, इससे हम कभी ना डरते हैं। हां, एक शस्त्र दिजवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना लोहे का ही है,
फिर ना वो हाथ में रहता है, फिर भी वो प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए कहिए, बतला दे वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है। हे नाथ, हे नाथ, देखिए नीचे को, वो उन चरणों की ठोकर है। बस बस यही शस्त्र है, महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका करे प्रयोग आप, तो ये वक्ष स्थल भी प्रस्तुत है। विप्रो के हम है कृपा पात्र, ये ध्यान रहे उस और प्रभु, इसकी भी छाप वहीं पर हो जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। सुनी मृदु भूढ़ो वचन रघुबर के, उघरे पटल पर सुमत धर राम रमापति कर धन लेहु, खै जाऊ चाप मिट संदेह। ये कैसा आश्चर्य है, ये पश्चिम तो हमारे पूर्वज पितामह भृंगु ऋषि के हैं, जो उन्होंने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अर्जित किए थे। तो क्या विष्णु भगवान ने इस पृथ्वी का भार हरने के लिए राम के रूप में अवतार ले लिया है? मैं अपने मन के संदेह को दूर करता हूं। राम रमापति कर धन दे हे राम, ये लीजिए, ये लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का सारंग धनुष है। आप इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर मेरे संदेह को दूर करें। देत चाप आप ही चली गयहु, बरस राम विस्मय भयहु। चंद्र भगवान की जय। रघुवंश बनज बन भान, जय सुरधेनु वीर रहु प्रसादी, जय मद मोह को भारी। कल का बहुत ही दिव्य और मनोरम प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत होगा, और उससे पूर्व एक मिनट का दृश्य बस यहीं से प्रारंभ हो रहा है, केवल एक मिनट का। सीता जी का विदाई का कार्यक्रम है, एक मिनट प्रधान जी बस। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने बहुत समय दिया, जो लोग अभी तक खड़े रहे आप सबका धन्यवाद, और विशेष रूप से आदरणीय श्री किशन वासिया जी का धन्यवाद कि उन्होंने हमें अपने पूरे दृश्य दिखाने का अवसर दिया, और हृदय से पूरी रामलीला कमेटी का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
श्री राम चंद्र कृपाल भजन हरण भव भय नव कंज लोचन कंज कर कंज पद कंज कंज गुणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदर पट भी सूचि नव जनक सुत मन जाहज सुंदर करुणानी धान सुजान सी स्नेह जान यही धाति गौर आशीष सुनी सिय सहित हर्षित तुलसी भवानी मुदित तुलसी भवानी मुदित मन मंदिर चले जान गौर निकोल सिंह हरसन जाय कह श्री मंजुन मंगल मूल वामयंग भर कर लगे नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम सर्वे विजगुणा सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु। बोलिए श्यामर रामचंद्र भगवान की लक्ष्मणयती की सत्य सनातन धर्म की त्रिमापति महादेव की त्रिपवन सुत हनुमान की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।